उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, इन्हीं में से एक संभल सीट है। 2019 में सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संभल से जियाउर रहमान पर पुलिस पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगा रहे हैं जियाउर रहमान पर, जिसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार हंगामा किया है। शफीकुर रहमान बर्क, जियाउर रहमान बर्क के जो दादा हैं वो यहां से एमपी थे, उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल में पुलिस के साथ धक्का मुक्की, समाजवादी पार्टी के ये नेता कार्यकर्ता खुद मौजूद, जियाउर रहमान बर्क जो आरोप लगा रहे हैं धक्का मुक्की का। और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, वोट डाल दिया है उन्होंने, कह रहे हैं कि चुनाव आरक्षण और संविधान बचाने के लिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस वक्त मतदान करके, प्रोफेसर को क्या लगता है इस बार के चुनाव किन मुद्दों पर वोट खास कर क्या कर रहे हैं यार आप? संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता तो हम 10 साल से बहुमत में थे, हम कभी भी संविधान बदल सकते। ऐसा सत्ता धीरे धीरे आदमी के दिमाग को जो है दूसरी तरफ ले जाती है, अब बसी हुई। मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं कि दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को दे दिया जाए, कर्नाटक का एग्जाम्पल लेते हैं भाई। अरे ये तो ऐसा है चुनाव के वक्त किस तरह की, ये तो हमेशा ही ऐसी झूठ बोलते हैं, सही कब बोले ये लोग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।